हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वर्षा और देवीनाज किचन में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं गेहूं और आलू से बहुत ही अच्छी सी खस्ता सी पूरियां, जो आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं और अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो भी आप उसे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बोल में 1.5 कप जो है वो आटा लिया हुआ है। तो अब हम इस पर क्या करेंगे कि एक आलू, ये देखिए मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, इसे कद्दूकस करके डाल देते हैं। कद्दूकस करने से क्या होगा कि इसमें गुठलियाँ नहीं रहेंगी और आटा हमारा बहुत अच्छा सा स्मूथ हो जाएगा। तो हम इसमें कद्दूकस करके एक आलू जो है वो डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आलू जो है हमने कद्दूकस कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसी कद्दूकस से हम 6-7 कली लहसुन की है वो जो है किसके डाल देते हैं। ऐसे ही किसके डाल दीजिए। ये पूड़ियाँ इतनी अच्छी बनती हैं ना, सिर्फ अचार के साथ भी अगर आप खाएंगे ना तो आपको मतलब इतनी टेस्टी लगेंगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कि आप कोई सब्ज़ी खाओ इसके साथ में, बहुत अच्छी बनती हैं। तो आप जो 6-7 कली जो है लहसुन की, इसे किस के डाल दीजिए। देखिए लहसुन हमने किस दिया है। अब हम इस पर थोड़ा सा अदरक भी किस के डाल देते हैं। ये देखिए अदरक भी हो गया। तो चलिए अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डाल देते हैं। तो इस पे हम जो है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 पिंच जो है वो हम इस पे हींग डाल देते हैं, थोड़ा सा हम इस पे चिली फ्लेक्स डालेंगे, अगर आपको इसमें ग्रीन चिली डालनी है काट के तो आप डाल सकते हैं और अगर नहीं डालनी है तो आप उसे स्किप कर दीजिए। अब यहाँ पे 1 छोटा चम्मच जो है वो मैं सौंफ का डालूँगी और हम 1 बड़ा चम्मच जो है, ये देखिए, ये कसूरी मेथी डाल देते हैं। अब मैं इस पे धनिया पत्ती जो है वो काट के डाल देती हूँ, बिल्कुल बारीक बारीक आती है। मसाले जो हैं वो सब इस पर पड़ चुके हैं। अब हमें इसमें नमक ऐड करना है, जो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। थोड़ा मैं नमक ऐड करूँगी। अब इस पर जाएगा घी। घी से हमारी जो ये पूड़ियाँ हैं ना, ये बहुत अच्छी बनेंगी, एकदम खस्ता। ये 1 चम्मच जो है, 1/2 चम्मच मैंने घी डाल दिया। अब हमें क्या करना है, पहले सारे मसालों को बहुत अच्छे से मिला लेना है, उसके बाद हम इस पर धीरे धीरे पानी डालेंगे। पहले क्योंकि आलू पड़ा हुआ है ना तो पानी कम डलेगा इसमें, तो पहले जो है सब चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए, उसके बाद जितनी ज़रूरत होगी पानी डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे मसाले जो हैं, घी, नमक और मिर्च, जो भी कुछ हमने इसमें डाला वो बहुत अच्छे से मिल गया है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम इस पर पानी डाल के और आटा तैयार करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आटा हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट तो नहीं है, ये टाइट ही है, जैसा हम लोग पूड़ी का आटा तैयार करते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है ये। तो चलिए अब इसकी पूड़ियाँ बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आटे का एक पोर्शन मैंने ले लिया है। तो अब हम इसकी जो है एक बड़ी सी रोटी बना के तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ना एक बड़ी रोटी बना के रख ली है और मैंने इसको बनाने के लिए बिल्कुल भी आटा यूज़ नहीं किया था सूखा, क्योंकि ये टाइट डो था। तो ये आराम से बस हल्का तेल लगा के ऐसे ही मैंने बना ली। अब यहाँ पे आप जैसे नॉर्मल पूड़ी बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं, मतलब आप छोटे छोटे पोर्शंस लेके लोइयाँ बना के और पूड़ी बना लीजिए। तो लेकिन बच्चों को अगर टिफ़िन में देना है ना
तो थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगे, इसलिए मैंने एक बड़ी रोटी बनाई है और मैं उसको इस तरीके से जो है वो ना ढक्कन है या आपके पास में अगर कटर है तो आप उससे कट कर लीजिए, तो वो एकदम अगर एक जैसी शेप की होती है ना तो थोड़ी बच्चों को भी अट्रैक्टिव लगती है। आजकल बच्चे भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं, बहुत अच्छा चीज़ खाना चाहते हैं वो, तो ऐसा कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए इसकी पूड़ियाँ जो हैं वो छोटी छोटी काट लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पूड़ियाँ हमने बना के रेडी कर ली हैं और एक साइड मैंने कढ़ाई रखी है और तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है, तो बस तेल भी हमारा गर्म हो गया है, तो चलिए अब पूड़ियों को तल लेते हैं। तो तेल हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो चलिए पूड़ियाँ डाल देते हैं। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, ऐसे फूल गई हैं पूड़ियाँ। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम बढ़िया सी पूड़ियाँ जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब आप इसे चाहे बच्चों के टिफिन में दीजिए और चाहे तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं घर पे बना कर जब आपका मन चाहे, और अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप तभी भी इसे लेके जा सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि आप लोग को रेसिपी कैसी लग रही है, और अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जो बाजू में बेल आइकन होते हैं उसे क्लिक करें जिससे मेरे चैनल पे आने वाली सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल पाए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।